अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। थकन उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हालांकि बहुत ज्यादा नहीं सोया हूँ, फजर के बाद से मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन ये कि थकन अल्हम्दुलिल्लाह उतर गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉटिंघम। आज का दिन आप लोगों के साथ स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठ के ये सोचा था मैं क्या कपड़े पहनूँ, तो ये भाई जान मैंने कपड़े निकाल लिए। ठीक है, ये जो है वो ऑरेंज वाला हुडी हम पहन लेंगे। ठीक है, ये ट्राउजर आ गए, ये टी शर्ट आ गई, कैप आ गई, ये सॉक्स आ गए, और अब बस मैं शावर लेता हूँ। सही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है। ये देखें शबनम आपको नजर आ रही होगी शीशों के ऊपर। ठीक है, तो फिर नाश्ते वाश्ते की क्या सेटिंग है, सब कुछ देखते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं, आ जाए। चलिए भाई, मैं तो फ्रेश होकर रेडी हो गया, अब मैं आप लोगों को अपने साथ नीचे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं कि दादा नाश्ता वाश्ता क्या करना है, और फिर थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं, थोड़ा सा इलाका दिखाते हैं, माहौल दिखाते हैं, मौसम दिखाते हैं, ये क्या सिलसिला है। दूसरी बात यह कि अभी यहाँ पे सुबह के 8 बजे, लेकिन पाकिस्तान में 1 बजे है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में अभी 12 बजे होंगे, तो मेरे पास 1 घंटा आराम से नीचे जाके सिग्नल विग्नल अच्छे होंगे तो मैं व्लॉग अपलोड करूंगा, लेकिन अब जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पे व्लॉग मिले। सही, आ जाए। उठा ली भाई, यहाँ सुबह जो है ना लोग जल्दी उठ जाते हैं। सही है, जल्दी जल्दी कामों पे निकलते हैं अपने। मैं फजर के बाद से जा ही रहा था ना, तो गाड़ियों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। दरवाज़ा जो है ना बंद भी इसका कोड डालने से ही होता है। ये देखें, कोड डाला, अब बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा। ये है भाईजान मोहल्ला, सही है, सेनेटन का, और हम जो है ना जाते हैं अब ज़रा थोड़ा सा वॉक करते हैं। सही है, बड़ी ठंडी सुबह है, मज़ेदार मौसम है, बहुत बेहतरीन। ये देख लें भाई, हमारे घर के साथ ही ये पाक फूड्स है। सही है, यहाँ पे आपको जो आपको चाहिए ना सब मिल जाएगा। सही है, यहाँ जितनी भी पाकिस्तानी फैमिली है सारी आपको यहीं पे नज़र आएंगी। देखें सारे फ्रूट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वॉक करते करते जो है ना अपने नेबरहुड में ही हूँ अभी इस वक्त। यहाँ पे बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही आप ये देखिए कितना प्यारा एक जो है ना व्यू है ना। बेसिकली ऑटम का सीज़न है, तो ये वाले जो पत्ते झड़ रहे होते हैं ये देखें क्या बात है, आए ज़बरदस्त। ये यहाँ पे जो है ना बहुत सारी वैरायटी फ्रूट्स की, लेकिन मुझे एक चीज़ जो मैं इस्लामाबाद के करीब आप लोगों को एक जगह फिक्स के फार्म में लेके गया था, वहाँ पे इस फार्म के अंदर ही जो है ना इंजीर होती थी। सही है, लेकिन हमारे वहाँ पे मार्केट में इस फार्म में सेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखें इस फ्रेश फार्म में भी यहाँ पे सेल होती है। देखिए, हम जो है ना नाश्ते के लिए कुछ फ्रूट्स ले रहे थे, तो मैंने बोला कि यार ये जो फ्रूट्स है ना ये तो हम नॉर्मली भी खाते हैं, लेकिन कुछ नया करते हैं ना, तो ये पाइनएप्पल है। मैंने काशी भाई को बोला पाइनएप्पल लेके चलते हैं और इसको जो है ना काटने का एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों भैया? सही है भाई, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए ऊपर। सही है, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। जैसे ही रूम में आए ना बड़ा सुकून मिला, क्योंकि बाहर जो है ना बड़ा बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसे हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो रहे हैं। ये देखें भाई, फर्स्ट टाइम जो है ना एक्सपीरियंस हो रहा है कि पाइनएप्पल को कैसे काटा जाता है, वरना नॉर्मली हम जो है ना जो टिन पैक में स्लाइसेस होते हैं ना वही खाते हैं। काजू आसान है, मुश्किल है? हार्ड होता थोड़ा सा इसके। अच्छा, ये पाइनएप्पल कहाँ से इंपोर्ट होते हैं? कोस्टरिका। कोस्टरिका, हाँ। हा 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 भाई, ये देखें आप पाइनएप्पल के स्लाइसेस कट रहे हैं। नाश्ता आपको पता है कि आपका भाई लाइट करता है, लेकिन आज जो है ना फेवरेट चीज़ है, सही, फ्रूट्स हैं सारे, तो यहाँ पे फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है। ये देखें, ये ब्लूबेरीज हैं, हम वहाँ पे जो है ना सिर्फ ब्लूबेरी के नाम का लिमका ही पीते हैं, है काशी भाई? ऐसे ही वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी नहीं होती, इजीली अवेलेबल भी नहीं होती। तो ये ब्लूबेरीज हैं और रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। लास्ट टाइम जब मैं यूके से गया था, सबसे ज़्यादा मिस मैंने एक ही चीज़ की थी, वो यहाँ की स्ट्रॉबेरीज, बहुत मज़े की होती हैं। फिर ये ग्रेप्स आ गए, गावा, एप्पल, बनाना, और ये पाइनएप्पल भी आ गया, और फिर ये भाई, ये एक और फेवरेट चीज़ है, केक रस्क। ये भाई जान, इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर दी है। ये भाई खाने से पहले जो है ना हमने इसको वॉश कर लिया एक बार। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त है, मीठी भी है, थोड़ी थोड़ी खट्टी भी है, बहुत मज़े की है। और ये आ गया भाई पाइनएप्पल का स्लाइस। ठीक है, अच्छा बीच में जो है ना इसका ये जो पार्ट होता है ना ये हार्ड होता है। सही है, तो इसको आपने साइड से खाना है। बहुत ही मीठा और ज़बरदस्त है भाई टेस्ट में, बेहतरीन। अब आप देखें अल्लाह पाक की कुदरत कि दुनिया के
हर जगह पे अलग अलग जगह पे सेम फ्रूट अलग अलग जो है टेस्ट के साथ, अलग अलग साइज के साथ, अलग अलग कलर्स के साथ होता है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये जो है ना ब्लूबेरीज हैं, ये लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने रास्पबेरी ट्राई की थी, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम अब ट्राई करने जा रहा हूँ। कितनी छोटी सी है, ये बड़ी खट्टी खट्टी है, मजे का फ्रूट है। चले भाई, अब मैं जो है ना जोहर की नमाज पढ़ने लगा हूँ। तो चले भाई, अब जो है ना हम लोग लंदन के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं यूके आया था तो उस वक्त जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रात को 10 बजे तक जो है ना रोशनी होती थी, सही है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें टाइम क्या हो रहा है, 4:10 हो रहे हैं सही शाम के, और ये देखें अंधेरा होने वाला है, मतलब अभी थोड़ी देर में जो है ना अंधेरा हो जाएगा। और अभी जो है ना 4 में मगरिब का भी टाइम जो है ना हो गया या तो होने वाला है स्टार्ट। अब सिलसिला ये है कि हमारे भाई को काम था लंदन में, ठीक है, वो काम निपटा दिया, रात भी हो गई है। अब यहाँ से वापसी जाते जाते जो है ना एक पार्क आता है, थोर पार्क, सही है। तो हम जो है यहाँ पे रुक गए, अगर कुछ राइड्स वाइड्स का सुना है, बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे जो राइड्स है ना ओहो नेक्स्ट लेवल की है। तो अगर कि ये पार्क अभी खुला हुआ है और राइड्स वगैरह हैं तो फिर अभी जो है ना हम आपको भी लेके चलते हैं और इन्जॉय करते हैं थोड़ी सी राइड्स। रोलर कोस्टर तो नज़र आई है दूर से, अंदर चलते हैं, चेक करें भाई। थोर पार्क है, सही है, इसकी एंट्रेंस है, अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये देंगे भाई, अभी जो है ना हमारे हाथ में टिकट है, सही है, इसको हम स्कैन करेंगे और अंदर। ये भाई ये तो अच्छा है कि बारिश रुक गई है, वरना जो है ना अभी रास्ते भर के अंदर जो है ना बहुत कोई टाइट वाली बारिश हो रही थी, अभी मौसम भी ठंडा हो गया है। देखिए भाई, अंदर आ गए हम लोग, हमारे लेफ्ट पे जो है ना एक रेस्टोरेंट टाइप का सीन बना हुआ है पूरा, सही है, और राइट पे जो है द आइलैंड शॉप है, फिर यहाँ पे ये देखें पूरी शॉप बनी हुई है, इधर छोटे मोटे कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ है, गेम्स वगैरह हैं, बाकी अंदर जाते हैं मजीद वो चेक करें। सामने जो है ना ये देखें, ओए होए 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 भाई ज़बरदस्त ये सीन लग रहा है, सही है, काफ़ी सारे राइड लग रहे हैं, ये देखें सामने भी है। अरे ये क्या हो गया बंदे को, काश में ये क्या होता है इस बंदे को। असल में यहाँ पे एक इवेंट होता है हेलोवीन का, क्योंकि हेलोवीन का सीजन चल रहा है। अच्छा, हम तो झूलों के चक्कर में आए हुए हैं, वो भी इनका चल रहा है ना, अभी त्यौहार होता है इनका मेरे ख्याल से, तो ये क्या अभी होता है आज आज है इनका। अच्छा सही है, और क्योंकि उसके बाद इनके मुख्तलिफ इवेंट होते हैं बिफोर क्रिसमस। अच्छा सही सही, ये एक इवेंट इनका होता है। सही भाई, मैं तो एक सेकंड के लिए जो है ना बंदे को देख के सोच में पड़ गया, मैंने ये क्या बन के आ रहा है, तो पता चला कि वो इनका जो त्यौहार होता है तो उसके चक्कर में भी जो है ना आजकल ये भूत वगैरह बन के निकले होते हैं। खैर, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह के त्यौहार से, लेकिन इन लोगों का तरीकेकार है। ये चेक करें भाई, ये लोगों की चीखें निकल रही, मेरे ख्याल से ये पूरा उल्टेगा, ऊपर से घूमेगा ये पूरा, ओए होए 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 होए, देखते हैं जरा क्या सीन है भाई, ये खतरनाक सीन लग रहा है। ओए होए, कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो है ना राइड्स है यहाँ पे, लेकिन डे लाइट में यहाँ पे आना चाहिए। अब डे लाइट में ही हम लोग पहुंचते, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि रोशनी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है और अंधेरा जल्दी आ जाता है, ये सीन हो गया। चेक करें भाई राइड्स में कितना रश लगा हुआ है, ओए होए होए भाई, वो देखें पीछे से आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये देखें भाई, हल्का हल्का जो है ना बारिश का सिलसिला चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा वेदर है। और यहाँ देखें अभी हम पानी लेने के लिए आए हैं कैंटीन में, सामने देखें चॉकलेट का फाउंटेन बना हुआ है पूरा, ये चेक करें, कोई मज़ा आया सही ना राइड्स के अंदर। लेकिन मसला ये हुआ कि मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था, तो हम आपको कुछ भी नहीं दिखा सके, वरना बहुत तफरी आई। अब हम जा रहे हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए, तो आप लोगों को लेके चलते हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा जो मज़ा है ना वो इस वाली में आया, ओए होए, और ये वाला जो राइड है ना, ये वाला तो बहुत बच्चों वाला लगा, बहुत बच्चों है काश भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला लगा, ये सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है खतरनाक। हाँ वो वाला, उसमें मज़ा आया, उसमें मज़ा आया। अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं, आज जो है ना कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, सही ना, पहले जो हमने ट्राई किया था आज कुछ अफगानी ट्राई करने वाले हैं। फाइनली अब जो है ना खाना खाने के लिए हम लोग आ गए हैं, स्लाओ के एरिया में हैं, हाई स्ट्रीट पे, और अब जो है ना सामने यहाँ पे काफ़ी सारे हलाल रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए मेरे राइट पर एक नज़र आ रहा है फेवरेट चिकन, साइड में लिखा हलाल, सही है। इसी तरह सामने चाय वाला करके जो है ना कुछ सीन है,
सही है। और फिर आगे जो है वो जैतून रेस्टोरेंट है, हम लोग आज जो है ना ये ट्राई करने लगे हैं। फिर आगे बॉस बर्गर, फिर आगे बिरयानी, सब कुछ है भाई यहाँ पे। ये देखें अफगान एंड पर्शियन क्यूज़ाइन जैतून। ये देखें भाई रेस्टोरेंट की छत ऐसे बनी हुई है जैसे W11 बस के अंदर आप बैठे हैं, वही चादर लगी हुई बिल्कुल, है ना ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसी लगी हुई। चलो भैया भूख तो बहुत लगी है, स्टार्टर में आ गए फ्राइज़। पहले तो हम फ्राइज़ ट्राई करते हैं चिली सॉस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई ये जो है ना अफगानी नान है, बड़ा वाला नान, ये देख रहे हैं आप, ओए होए होए ज़बरदस्त। और इसके साथ आ गए हमारे चपली कबाब। चपली कबाब ज़रा जो है ना ट्राई करते हैं। और ये आ गई है इनकी कौन सी कढ़ाई है, लैंब चिली कढ़ाई। और भाई ये चेक करें, ये जो है ना काबुली पुलाव भी आ गया है। ओहो भाई रहा नहीं जा रहा चपली कबाब ट्राई करना है। ठीक है ये आ गया भाई पहला निवाला चपली कबाब का। भाई चपली कबाब जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी है, मज़ेदार है। भाई अब जो है ना कढ़ाई की बारी है। सही है ये आ गई लैम कढ़ाई, ये हमने निकाली बोटी। और ये आ गया मसाला। आह कढ़ाई भी सुपर फाइन भाई। अब जो है ना बारबेक्यू का जो है ना ये आइटम आ गया, इसको लैम कुबैदा बोलते हैं। सही है इसको हम ट्राई करते हैं। खाना जो है ना यहाँ का सारा माशाल्लाह अच्छा लगा हमको भाई। अब लास्ट आइटम हमारा सही है काबुली पुलाव आ गया। ये बोटी भी आ गई है। और ये किशमिश कहाँ गया, ये रहा किशमिश साइड में भाग गया था। ये आ गया भाई निवाला पूरा। भाई आज तो जो है ना खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे बेस्ट आपको बताऊँ चपली कबाब और कढ़ाई सबसे बेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश जो है ना फिर से स्टार्ट हो गई है। अब हमारा सफ़र लंबा है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है वापस निकल रहे नॉटिंघम के लिए। फाइनली पहुंच गए घर पे वापस अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। सही है वापसी में तो आपके भाई ने थोड़ी सी नींद भी कर ली, गाड़ी के अंदर थोड़ी सी नैप भी ले ली थी। और आज का दिन जो है ना एक लंबा रोड ट्रिप हो गया, क्योंकि यहाँ से लंदन जाना एक लंबी ड्राइव है, इसके बाद फिर कंटिन्यू बारिश थी, जाहिर सी बात है सफ़र होता है इंसान थक जाता है, तो अभी जो है ना हालत थोड़ी सी टाइट हो गई है। अच्छा हुआ ये है कि यार अगर राइड्स वाला पार्ट मैं आपको दिखा पाता ना तो बड़ा मज़ा आता, आप लोगों को भी ऐसा लगता कि आप लोग भी मेरे साथ राइड्स ले रहे हैं। सीरियसली बहुत मज़ेदार, बहुत सारा कुछ ज़बरदस्त था, बड़े ख़तरनाक किस्म की जो है वो राइड्स थी। लेकिन यह है कि बस अनफॉर्चुनेटली मोबाइल से हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि अलाउ नहीं था। तो कोई मसला नहीं, कभी इंसान कुछ प्लान करता है, कभी कुछ प्लान करता है, कभी वो चीज़ें उसकी तरह जिस तरह आपने चाहा होता है उस तरह हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी हो पाती। तो नेवर माइंड, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग के अंदर हम कुछ आपको दिखाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह। अस्सलाम वालेकुम।